हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल क्लासेस। आज मैं आपको एडियम्स फ्रेजेस का लेक्चर 4 कराने वाला हूँ। ये कौन सा लेक्चर? लेक्चर 4 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको इससे पहले मैं आपको लेक्चर 3 तक करा चुका हूँ। आप प्लीज़ आप उससे रिवाइज करें, ठीक है? चलिए, तो पहला वोकैबुलरी क्या है, एडियम्स फ्रेजेस क्या है? बर्न वंस फिंगर, मतलब कि अपनी उंगली को ही जला लेना, इसका मतलब क्या हो गया कि खुद का नुकसान कर बैठना। ये तो बहुत इजी था, ठीक है? बर्न वंस फिंगर्स, खुद का नुकसान कर बैठना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि अपना आपकी जो क्षमता है अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको अपना बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स यूज़ करना चाहिए। जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास नहीं है, आप उसे सीखें, ठीक है? थर्ड क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बर्न द मिडनाइट ऑयल करना ही होगा, ठीक है? चौथा क्या है, बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलनशील पर्सन। जो बर्निंग क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आप देख रहे होंगे कि इसराइल फिलिस्तीन एक क्या है, बर्निंग क्वेश्चन है ये। हालांकि शुरू से चलते आ रहा है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा बर्निंग क्वेश्चन पर, ठीक है? और बर्निंग क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा अभी एक बर्निंग क्वेश्चन है कि हम इसे कैसे ख़त्म करें, ठीक है? वी विल डेफिनेटली विन, हम लोग इस पर ज़रूर विन प्राप्त करेंगे, जैसे कि हमने पोलियो पर पाया था, ठीक है? चलिए, तो इसी से क्वेश्चन याद आया कि आप बताएं कि पोलियो भारत में कब एलिमिनेट हुआ था और उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि किसी कंट्री को पोलियो फ्री घोषित, मतलब कि पोलियो फ्री घोषित किया जाता है। चलिए, ठीक है। पांचवा क्या है, बड़ी द हैटेट, मतलब क्या होता है, दुश्मनी ख़त्म करना। आप देखते होंगे कि एंशेंट टाइम में दो राजा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, लेकिन फिर बाद में वो आपस में एक दूसरे वो मिल जाते हैं, ठीक है? मतलब क्या होता है, बड़ी दा हैट, मतलब क्या होता है, दुश्मनी ख़त्म करना। तो अगला क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर अनियमित रूप से। कोई आदमी काम कर रहा है, रुक रुक कर रहा है, लेकिन उसका पास कंटिन्यूटी नहीं है। तो अगर किसी के पास कंटिन्यूटी नहीं है तो वो सक्सेस पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आपको रुक रुक कर काम नहीं करें, आप डेली करें, धीरे धीरे करें, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही किसी भी ढंग से। मतलब कोई बंदा ने डिसाइड किया कि भाई मुझे पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही किसी भी तरीके से, ठीक है? तो वो आपको शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिर बाद में वो चीज़, मतलब ज़्यादा दिन तक वो चलती नहीं है, बाय हुक और बाय क्रूक वाली। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगुनी और चौगुनी, मतलब बहुत, मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मेहनत करना उस सेंस में है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय द विसर, थोड़े से अंतराल से, ठीक है? उसे बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब कि थोड़े से अंतराल से। मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई कट ऑफ 100 किया और किसी पर्सन के 99.5 मार्क्स आए, तो वो क्या हुआ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़े से अंतराल से वो रुक गया, ठीक है? कैरी द कोल टू न्यू कैशल, ठीक है? बेवजह मेहनत करना, कोल को ले जाना न्यू कैशल में, न्यू हवेली में, वहाँ पर उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो बेवजह मेहनत करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल, तो इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे आदमी के हाथ में पावर या फिर अथॉरिटी दे देना, क्योंकि उससे पता ही नहीं उसे वो यूज़ कैसे करे, ठीक है? कैसल इन द एयर, हवाई किला बनाना। बहुत सारे होंगे कि मतलब वो बोलते होंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इन रियलिटी वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं, कैसल इन द एयर, हवाई किला बनाना। वो अपने मन ही मन अपने कहानी भर, मतलब वो बनाते रहते हैं, लेकिन वो ऑन द ग्राउंड, ऑन प्रैक्टिकल वो कुछ नहीं करते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब उसकी लाइफ बहुत ही, मतलब बेकार है, ठीक है? उसकी लाइफ मतलब अच्छी नहीं जा रही है, ठीक है? कैच ए टाटर, शत्रु या बहुत बड़ी परेशानियों से सामना होना, उसे क्या बोलते हैं, कैच ए टाटर, ठीक है? अब उसे क्या बोलेंगे, कैच ए टाटर, मतलब जब आपको कैच ए टाटर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको, आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ वर्ड, कुछ इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है? तो आप इसे एक दो बार आप इसे रिवाइज करें, और आप इसे आप डेली या लाइफ में आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं।
अब आप बहुत सारे, जब आप द हिंदू पढ़ते होंगे तो आपको जो एक अच्छा एडिटोरियल होगा, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रेज आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ 14 idioms एंड फ्रेजेस मैं डेफिनेटली इसके इसके बाद ही मैं और इस वीडियोस पे लेके आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही है। सो आप मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।